नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज का 250वें दिन का ईश्वरीय वरदान परमपिता परमात्मा हमें यहाँ सिखाते क्या है, और परमात्मा आज कर्म योग के बारे में सिखाते हैं कि काम करते हुए भी ऐसे काम करें कि परमात्मा की याद में किया जाए, चाहे वो कर्म और वो कभी वो गलत कर्म ना बन जाए। तो देखें आज परमपिता परमात्मा कर्म योग के बारे में सिखाते क्या है। बाबा कहते हैं करावन हार की स्मृति से, करावन हार परमपिता परमात्मा है जो कि हमसे कर्म करवाते हैं, जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कर्म करने के लिए, की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भवा। निर्माण मतलब कि कोई अच्छा कार्य करने वाले, जिसमें कुछ अच्छा फल निकले उसका, उस कार्य का, तो निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भवा। अब समझते हैं कर्मयोगी है क्या। कोई भी कर्म कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। जो भी हम कर्म करते हैं, ज़्यादातर दुनिया में जो हम कर्म करते हैं, ये मेरे लिए अच्छा हो जाए, इसके लिए अच्छा हो जाए, मेरे को इससे फ़ायदा हो जाए, हम ये सोचे करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मैं पना जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो भी तुम कर्म करते हो सो कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो, तरीका बदलो। अब वो है क्या कर्मयोगी की स्टेज, सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार, हमारा व्यवहार औरों के साथ कैसा है, सिर्फ लोगों के साथ नहीं चीज़ों के साथ भी व्यवहार कैसा है हमारा। हम चीज़ें फेंक फेंक के करते हैं, घर में आए बेल्ट उठाई फेंका हमने, बैग उठाया फेंका हमने, फ़ोन सीधा फेंका हमने, बर्तन जो है धन धन टन 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 साफ़ करते हुए आवाज़ें करी, उसमें गुस्से में बर्तन बजाए हमने, क्या करते क्या है, है ना। तो कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। तो योग अर्थात परम अर्थ मतलब परम पिता के अर्थ करना कर्म, कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के कार्य कर रहा हूँ मैं, उसको कहते हैं परम अर्थ। दोनों को, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए, कि हम काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो जिस भी प्रकार से कमाई कर ली हमने, गलत तरीके से कमाई करी जो भी किया, लेकिन परमात्मा कहते हैं वैसे नहीं करना है। आपको ये सोच के करना है कि ये जो कर्म कर रहा हूँ, ये जो धन आएगा, वो धन तो आएगा, वो मेरे बैंक बैलेंस में बढ़ेगा, लेकिन उससे मेरी शांति का जो बैलेंस है, जो करेंसी है, वो कहीं घट ना जाए, मेरी शांति की कमाई ना घट जाए इस धन के आने से। तो वो मुझे सोच करके परम अर्थ, परमात्मा के अर्थ करते हुए कर्म करना है, उस तरीके से व्यवहार में आना है। भूल ना जाए, जो भी कर्म करें वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। ईश्वरीय सेवा अर्थ ये नहीं होता सिर्फ कि आपने धन किसी को दे दिया, आपने खान पान किसी को दे दिया, आपने किसी को भोजन खिला दिया, भोग लगा दिया किसी के लिए, आपने गरीबों को आपने खाना बांट दिया आपने, या कपड़े बांट दिए, ये सिर्फ नहीं है। हर सेकंड कर्म है, हर सोच कर्म है, तो हर सोच हर कर्म हमारा परमात्मा के अनुसार हो। यानी कि 10 पाप की उसके बाद में आके लोगों को खाना खिलाते तो बहुत सोच लिया कि मैंने बहुत पुण्य कर दिया, या 10 पाप की उसके बाद में लोगों को कपड़े बांट दिए, धन बांट दिए, तो सोचा रहे मेरे पाप मिट गए। नहीं, ऐसे पाप नहीं मिटते हैं। हर सेकंड हमसे पाप हो सकते हैं, जिसका बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जा सकता है, वो सिर्फ धन बांटने से, कपड़े बांटने से, या खान पान बांटने से नहीं हो सकता है, क्लियर। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करण हार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे, कि मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरे को अपनी बुद्धि नहीं चलानी, मेरे को परमात्मा ने जैसे सिखाया हुआ है मुझे परमात्मा के ज्ञान के अनुसार कर्म करने हैं, मैं निमित्त हूँ, मैं एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, और मेरे से कर्म कराने वाला परमपिता परमात्मा है। इस स्मृति का संकल्प सदा याद रहे, ये करावन हार भूले नहीं। कराने वाला अगर भूल गया तो कर्म सारे हमारे विकर्म बन जाएंगे। हमें करने हैं शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे, मतलब कि सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छा कर्म होता रहेगा। सेवा आपको तो समझ गया, सेवा का अर्थ ये भी होगा कि अगर आप घर में अपने बर्तन मांज रहे हो वो भी सेवा है। क्यों, बर्तन किसने दिए, भगवान ने दिए, हर चीज़ भगवान ने दी है ना। घर साफ़ कर रहे किसने दिया है, घर भगवान ने दिए, तो किसका घर है, भगवान का है, साफ कर रहे। तन किसने दिया है, परमात्मा ने, तो तन को साफ रखना किसने बोला है, परमात्मा का कर्म है वो भी। तो हर चीज़ का ध्यान रखना मतलब परमात्मा की चीज़ों का ध्यान रखना, हर चीज़ परमात्मा ने दी है, तो फिर हम किस प्रकार के कर्म करेंगे, निर्माण कर्म करेंगे, परमात्मा की याद में करेंगे। कोई आपको कोई चीज़ संभालने के लिए देता है तो वो व्यक्ति याद आता है ना, जब भी वो चीज़ को आप संभालते हैं, तो ये भी परमात्मा ने दी हुई है चीज़ें संभालने के लिए।
कोई भी चीज़ हो आपकी दुनिया में, आपकी आंखों से दिखाई दे रही हो, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए परमात्मा को याद करते हुए उसका कर्म करना, उसके साथ व्यवहार में आना, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ओम शांति।